गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 5 बज गए हैं और सनराइज भी होने वाला है थोड़ी देर बाद। फिलहाल हम यहाँ पर आग जलाएंगे और माँ भगवती का मंडल लगाएंगे, तो बने रहिए। अष्ट पूजा माता तेरी सवारी। सब लोग यहाँ पर खड़े हो गए हैं और हम भी करते हैं, आपको भी करवाते हैं सूर्य दर्शन यहाँ से। अद्भुत। अकल्पनीय सूर्य भगवान जी के दर्शन भी आप लोगों ने कर ही लिए हैं और अब टाइम लैप्स से आप भगवान जी के दर्शन का आनंद लीजिए। और कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्यों खास है यहाँ से सूर्य भगवान जी के दर्शन। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख ही रहा है कि बादलों को चीरकर जब सूरज निकलता है तो 3 रंगों में वह अपना स्वरूप बदलता है, जिसमें सबसे पहले लाल रंग, फिर केसरिया और अंत में चमकीले सुनहरे रंग में आता है। और इसी अकल्पनीय दर्शन को देखने के लिए लोग रात को ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं ताकि सुबह जल्दी उनको सूर्य भगवान जी के अद्भुत अकल्पनीय दर्शन हों। तो चलिए जानते हैं कुछ पौराणिक बातें, कुछ कहानियाँ माँ भगवती के मंदिर के बारे में कि कैसे माँ भगवती ने इतने ऊंचे स्थान पर अपना स्थान बनाया। कहा जाता है कि उत्तराखंड में गोरखाओं का अत्याचार बहुत ही बढ़ गया था और गोरखा अपने अत्याचार के चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। पहले गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और पूरा कुमाऊं जीत लिया। फिर उसके बाद 1804 में गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह से युद्ध करते हैं और जीत जाते हैं और पूरे गढ़वाल कुमाऊं में उनका कुशासन चलता रहता है। यहाँ तक कि ये लोग घरों में चोरी डकैती और उनकी गौशालों में आग लगा देते थे, गाय बछड़ों को मार देते थे, मंदिरों को ध्वस्त कर देते थे, जिससे कि यहाँ की जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी। और इतना ही नहीं, ये लोग छोटे छोटे नवजात बच्चों को ओखली में कूट दिया करते थे और ताकि आने वाली पीढ़ी पहले ही ख़त्म हो जाए। गोरखाओं के इतने अत्याचार बढ़ने के बाद माँ भगवती ने अपना स्थान, इसी स्थान पर अपना अवतार लिया। और इतने ऊँचे स्थान पर अवतार लेने का मुख्य कारण यही है कि माँ भगवती अपने भक्तों को आवाज़ देती थी ताकि अगर गोरखा गढ़वाल पर आक्रमण करे तो पहले ही माँ भगवती उनको आवाज़ देकर सचेत कर दे, जिससे कि जनता गोरखाओं के आक्रमण से बच सके। माँ भगवती के मंदिर के बारे में दूसरी कहानी भी है और कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक बारात आई थी यहाँ, जिसके गांव का रास्ता माँ भगवती के मंदिर के सामने से ही गुजरता था। तो बारात में चल रहे एक बुज़ुर्ग ने कहा कि हम सब शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले माता के दर्शन करके आते हैं। तो बाकी बाराती बुज़ुर्ग को भला बुरा कहने लगे कि पहले ही हमें लेट हो चुका है और ऊपर से मंदिर जाकर हम और भी लेट हो जाएंगे। तो बुजुर्ग ने कहा मैं तो माता के दर्शन करके ही आऊँगा, तुम लोग जाओ। जब बुजुर्ग दर्शन करके उस गांव में पहुंचा जहां बारात जा रखी थी तो उसने वहां देखा कि बारात तो पहुंची नहीं। जब वापस वो मंदिर
के पास लौटा तो उसने पाया कि मंदिर के आसपास विचित्र प्रकार के पेड़ खड़े हैं। कहा जाता है कि माता के प्रकोप के कारण वे सारे मतलब जो बराती थे पेड़ के स्वरूप में बदल गए, सारे पेड़ बन गए। आज भी इन पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि बाराती ही हों, क्योंकि पेड़ों के अलग अलग अनेक प्रकार के एक पेड़ है ना, किसी पेड़ ने अपने हाथों में ढोल दमा हो, मशकबीन पकड़ा हो, ऐसा मतलब ऐसी मान्यता है। कहा जाता है कि इन पेड़ों से अगर कोई धारदार चाकू चलाए मतलब हथियार चलाए तो उनसे खून निकलता है। केवल भंडारी जाति के लोग ही इस पेड़ पर धारदार वस्तु चला सकते हैं, क्योंकि भंडारी जाति के ही माँ भगवती के पुजारी हैं। और इन पेड़ों को रसुली भी कहा जाता है, रसुली के नाम से ही माँ भगवती को रसुलान दीवा भी कहा जाता है। और दूसरी मान्यता के अनुसार यहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं जो जिनको रसुली कहा जाता है, तो कहते हैं कि ये पांडवों ने लगाए। तो अलग अलग मान्यताओं के अनुसार माँ भगवती को पूजा जाता है। भैरव बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं, पूजा भी कर ली है। यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ पूरा, कितनी बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं। सबसे हाईएस्ट चोटी पर है, देखिए चारों तरफ आपको पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे। तो दोस्तों हमारी ये यात्रा सफल हुई और बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी आनंद आया यहाँ आकर। वैसे हम हर साल आते रहते हैं और कई लोग आ नहीं पाते इस मंदिर में, क्योंकि बहुत ही चढ़ाई वाला रास्ता है, बुजुर्ग लोग नहीं आ पाते। तो यात्रा के लिए सबसे पहले मौसम भी अच्छा होना चाहिए और माँ भगवती का साथ भी होना चाहिए। तो दोनों चीज़ हमारे साथ हैं, माँ भगवती का साथ भी है और मौसम भी अच्छा है। आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि कितना रात्रि वाला सफ़र है और मतलब इतना घना जंगल है, फिर भी कोई डर नहीं है, सब माँ भगवती की ही कृपा है कि इतने बड़े जंगल, इतने घने जंगल में ना कोई हमें जंगली जानवर मिलता है, ना किसी चीज़ का भय होता है, बस उसी की कृपा है। तो अब हमारे घर जाने की तैयारी हो गई है। कितने खतरनाक रास्ते से आए हम, देखिए जा रहे हैं। अभी यात्रियों के बैठने के लिए यहाँ पर टिन सेट बना रखा है ताकि रात को सोने के लिए यहाँ पर सही हो। आप जाएंगे हम यहाँ रसुली लाने। देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं रसुली के, इतने बड़े पेड़ में जाना पड़ता है। ये प्रसाद सिर पर लगाया जाता है। आपको आ रहे भाई, देख ले इतना पड़ो यूट्यूब मार दिला भी यूट्यूब में देखते तिल दिखण और रे देखिए लाइक कर देते हैं वीडियो। गांव का बंदा आराम से ये कितना ये देख बड़ा बड़ा भाई कह रहा है मां कसम चल इसको लगाएंगे सिर पे। ये प्रसाद है ना मां भगवती का। चलो लगो लो तू पहन ला। चलो देखिए गाइस इतना खतरनाक रास्ता था रात को, हम ऐसे गए। ये देखिए ये ऐसे छिलक छिलक के आना पड़ रहा है, सारे रास्ते में इतने बड़े बड़े पेड़ गिर रखे हैं, सब वहीं से छिलक के आ रहे हैं। ये देखो पूजा देखिए, इतने छोटे छोटे बच्चे भी इस चढ़ाई में, इतनी बड़ी चढ़ाई में माँ भगवती का दर्शन करने के लिए गए थे। जय माता दी। रात में तो पता भी नहीं चला कौन कहाँ जा रहे, और पेड़ का पता आधे लोग पीछे चल रहे हैं कि पेड़ भूत है। हाँ। फिर आधे का आधे आधे एक एक घंटा रुके लोगों के लिए, मतलब धीरे धीरे से गए, आराम आराम से गए मतलब, है ना। अच्छा तो कैसा लगा, पहली बार आ रहे हो दीवा मंदिर? अच्छा तो माँ भगवती का बुलावा होगा तो जरूर अब आते रहोगे हर साल। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो छोटू? मैं सिक्स। आप कौन सी? और वो छोटी? अच्छा आप दिल्ली से आए हो? हम दिल्ली से आए और हमने पहली बार ऐसी यात्रा करी है, लेकिन बहुत बहुत बहुत
अच्छा लगा, बहुत परेशानी भी रात को कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ टॉर्च की लाइट में थे, लेकिन वो माँ भगवती की कृपा रही होगी। बिल्कुल, माँ भगवती की कृपा रहती है। यहाँ जंगल इतना घना जंगल है, मन में भाव भी नहीं आया डर का। बिल्कुल, वो तो होता ही है, इतनी बड़ी जनसंख्या होती है, भालू बाघ ऑब्वियसली होंगे इस इतने बड़े जंगल में, लेकिन फिर भी कोई डर नहीं लगता, माँ भगवती की कृपा है बस। अच्छा, जय माता दी, जय माता दी। सूर्य भगवान के साक्षात दर्शन, बहुत सुंदर व्यू। अच्छा, मतलब इतना अच्छा, अपने अपनी आंखों से उनको निकलते हुए फुल पूरी तरीके से उनको पहली बार देखा, मतलब तो पहली बार आंखों को कितना सुकून मिला होगा। बहुत, और जैसे हम लोग को ये लगता है जैसे जैसे सूरज चढ़ता है तो एकदम से ऐसा लगता नहीं कि इतना हम उनको उनके तेज को देख नहीं पाएंगे, परंतु मेरी रिक्वेस्ट है हर किसी से कि अर्ली मॉर्निंग उठें, जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठें और उगते सूरज को देखें, जो उनकी लाली माँ है वो आपको बहुत ज्यादा तेज। और जो सूर्य की पहली रोशनी होती है वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत मतलब लाभदायक होती है ना। जरूर जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। आपको कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया। आप पहली बार आए या दूसरी बार? दूसरी बार। पहली बार अच्छा लगा या आप अच्छा लगा? दोनों बार अच्छा लगा। अच्छा, रात को मतलब कैसा लगा? इतनी चढ़ाई थी, बढ़िया बढ़िया था सफर, मतलब फर्स्ट क्लास, बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, और ताई जी तो कैसे चल, ताई जी आप भी लगता है कि आप भी दिल्ली से शहरों में रहते होंगे ना? कभी दिल्ली रहती कभी गांव में। अच्छा, लेकिन ऐसा लगता है ना कि मतलब बुजुर्ग लोग नहीं आ पाते हैं ज्यादा, लेकिन आप बहुत बहुत आपका मतलब माँ भगवती आप पर प्रसन्न होंगी क्योंकि आप इतने बुजुर्ग हो के भी इतनी चढ़ाई चढ़ पाए आपने। बुजुर्ग नहीं हो, सबसे बुजुर्ग मैं हूँ। अच्छा, आप 75 साल की हूँ। अच्छा, 75 साल की दादी जी भी चढ़ी है माँ भगवती के दर्शन करने? अरे वाह, वो तो अभी मेरे से कहीं छोटे हैं। अच्छा अच्छा, हम सब ने नाश्ता कर लिया है और हमारे साथ के सारे लोग चले गए हैं, सिर्फ हम रह गए हैं और मेरी आवाज भी बढ़ गई है ठंड की वजह से, और ये लोग यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं, ड्यूटी लगी है मतलब पूजा। अच्छा, कभी कंचू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई इसलिए मुझे ही ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है, इन्होंने सारे बर्तन धो दिए हैं। तो गाइस, कल रात को मैं आपको क्लियरली नहीं दिखा पाई, यहाँ पर एक होटल भी खोल रखा है और यहाँ पर सब कुछ बनता है, दुकान है छोटी सी और चाउमीन सब कुछ बनाते हैं, पराठा, आलू का पराठा, चाउमीन के। पहले कोई दुकान नहीं थी यहाँ पर, हम ऊपर छत पर बैठ के खाते थे जो भी सामान आते थे ना, तो अब इन्होंने यहाँ पर दुकान भी खोल ली है, सही है, बैठने के लिए भी सही है और छोटी सी दुकान भी खोल ली है, बाकी बता ही लिया मैंने आपको। तो अब चलते हैं घर, बहुत ही ज़्यादा थकान लग गई है, हालत ख़राब हो गई सच में।